तो आज की क्लास में हम ग्रुपिंग सीखने वाले हैं कि हम अपने लेजर्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ग्रुप के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ उन्हीं ग्रुप के बारे में बताया था जो कि हमने जो लेजर बनाए थे उनमें टैग करने थे। इतने जो ग्रुप हैं आपके पास, इनका सब ग्रुप बना सकते हैं। अब सब ग्रुप कैसे बना सकते हैं? दो तीन तरह से सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके डेटर्स हैं, मतलब संडे डेटर्स हैं जिनको कि आप सेल करते हैं। अब उनको आप उनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो उनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? अब मान ले जाए आपके पास 1000 कस्टमर्स हैं, यानी कि 1000 पार्टीज़ हैं जिनको कि आप सेल करते हैं, या 1000 पार्टी हैं जिनसे आप परचेज करते हैं। तो 1000 पार्टीज़ को अगर आपने देखना है, भाई मैं ऑल ओवर इंडिया में सेल करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट की अलग अलग पार्टियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे कि दिल्ली की पार्टियाँ हैं, अब आपने टोटल दिल्ली की पार्टियाँ देखनी है या उनको रिपोर्टिंग निकालनी है, कुछ करनी है, तो आपको कैसे निकालनी है? आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये सारी पार्टियाँ दिल्ली की हैं? या कोई हरियाणा की पार्टी हैं तो आपको कैसे पता लगेगा भाई ये सारी हरियाणा की पार्टी हैं? तो इस तरह से आप किसी अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ग्रुपिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ग्रुपिंग बना के दिखा देता हूँ। मान लिया जाए हम यहाँ पर चलते हैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाने पर ग्रुप पे चलते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि मैंने बना दिया, मैं डेटर को डेटर की ग्रुपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे पास मान लीजिए बहुत सारी पार्टियाँ हैं और वो मल्टीपल स्टेट की हैं, और मेरे को देखना है कि भाई कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी है, चाहे उनके उनकी एंट्रीज देखनी है, उनके बैलेंसेस देखने हैं, उनकी रिपोर्टिंग देखनी है, तो वो हम इजीली यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहला ग्रुप बना दिया दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में क्या रखेंगे? दिल्ली में इसको हम अंडर टैग करेंगे मेन ग्रुप कौन सा, ये जो हम बना रहे हैं ये सब ग्रुप है, ठीक है। और गए कैसे हम यहाँ पे, इस विंडो में गए कैसे? हमने क्रिएट पे जाना है, और अभी तक हम लेजर क्रिएट कर रहे थे तो लेजर पे जा रहे थे, अब हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि सब ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दिल्ली ग्रुप सब ग्रुप का नाम रख दिया। अब इसको हम किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं? हम कर रहे हैं संडी डेबिटर की ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिसको कि हम सेल करते हैं, तो संडी डेबिटर के अंदर में मैं इसको टैग कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ग्रुप बिहेव लाइक अ सब ग्रुप, तो इसको हमें यहाँ पे यस कर देना है। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एज अ ग्रुप जो है वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। नेट डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग में क्या आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट चाहिए या ट्रांजैक्शन भी चाहिए, तो इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रांजैक्शन भी चाहिए, डेबिट भी चाहिए, क्रेडिट बैलेंस दोनों चाहिए, ठीक है। नेट बैलेंस नहीं चाहिए हमें, दोनों तीनों तरह के बैलेंस चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको हम यहाँ पे नो रखते हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल टैक्सेस एंड डिस्काउंट, तो ये टैक्सेस एंड डिस्काउंट सेल इनवाइस के लिए नहीं है, तो इसको हम नो रखते हैं। मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन इशूड इन परचेज इनवाइस, तो इसको हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। बहुत सारे जो यूजर्स हैं यहाँ पे अप्रोक्रिएटेड बाई क्वांटिटी, अप्रोक्रिएटेड बाई वैल्यू कर देते हैं, तो इससे उनको रिपोर्टिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसका आगे जाके आपको पता लगेगा इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसको हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। दूसरा हमारा है हरियाणा, हरियाणा के जो कस्टमर होंगे हम इस सब ग्रुप के अंडर में टैग करेंगे, तो ये भी हमारा संडी डेटर में है, और इसको हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देंगे, लाइक अ सब लेजर, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, तो उसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ आपको दो ग्रुप बना के दिखाएं, तो जितने भी आपके ग्रुप हैं, आप जितने भी आपके सब ग्रुप आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम लेजर क्रिएट करते हैं एक्स वाई जेड लेजर है हमारा, जिसको कि हम सेल करेंगे, हमारी पार्टी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप हमने बनाए थे, सब ग्रुप बनाए थे, तो वो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए दिल्ली शो कर रहा है, ये हरियाणा शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिल्ली या हरियाणा किसी को भी चूज करूँगा, तो ये किसके अंडर में आ रहा है? ये आ रहा है संडी डेटर के अंदर में, ठीक है, मतलब संडी डेटर के अंदर में हमें ये शो करेगा। तो ये हायरार्की है, मतलब पहले कौन सा, अगर आपने देखना है टोटल संडी डेटर की रिपोर्टिंग देखनी है तो संडी डेटर की देखी जाएगी कि भाई उसमें से दिल्ली के इतने हैं और हरियाणा के इतने हैं और जो भी और सब ग्रुप हैं उनके इतने हैं, ठीक है, और उन सब का टोटल आपको संडी डेटर में दिखेगा। अब आपने देखना भाई दिल्ली दिल्ली में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, तो आप दिल्ली को वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको दिल्ली की रिपोर्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले लेजर बनाया था वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो इसको अभी मैं ऐसे ही एज इट इज सेव कर देता हूँ। दूसरा अगर हम यहाँ पे बनाते हैं
सुनील कुमार, ठीक है। अब इसको भी हम किस में टैग कर देते हैं, इसको हम दिल्ली में टैग कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो शॉर्टकट शॉर्टकट क्या है सेव करने के लिए, तो यहाँ पे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये आपकी विंडो सेव हो जाएगी। अब तीसरा हम बना देते हैं न्यू हरियाणा ट्रेडर्स, ठीक है, ये बना देते हैं। इसको हम डाल देते हैं हरियाणा के अंदर में, इसको टैग कर देते हैं, ठीक है, इसको हम एज इट इज सेव कर देते हैं। एक और बना देते हैं इसमें अशोका न्यू लाइट करके, ये भी हमारे हरियाणा की पार्टी है तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब देखिए आपको कैसे दिखेगा, अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट दिखता है, ठीक है। चार्ट अगर आपने देखना है कि भाई कौन कौन से अपने पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर करेंगे। अब आपने क्या देखना है, जो ग्रुप देखना है, लेजर देखना है, तो हम लेजर पे चले जाते हैं। तो लेजर में देखिए सारे यहाँ पे ग्रुप आ रहे हैं, उसके नीचे के लेजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सनी डेटर है, ये आपको दिख रहा है सनी डेटर, सनी डेटर के अंडर में दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में ये पार्टियाँ हैं, फिर सनी डेटर के अंदर में हरियाणा है और उसके अंदर ये पार्टियाँ हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारी पार्टी है, और जो नॉर्मल है जिसको कि हमने सिर्फ सनी डेटर के अंदर में ट्रैक किया है तो वो पार्टी ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिपोर्टिंग भी देखनी है तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना केवल आपके सनी डेटर या क्रेडिटर, बल्कि आप चाहें तो अपने एक्सपेंसेस को भी ऐसे ही आप जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप अपने डेटर्स की ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, आपके चाहे कोई फिक्स असर्स के और भी लेजर हैं उनकी भी इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका प्लांट एंड मशीनरी है तो जितने भी लेजर्स आप प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बनाएंगे तो आपको प्रॉपर एक दिख जाएगा बैलेंस शीट में, या कहीं पर भी अगर आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी तो वो आएंगे नहीं, क्यों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमने जो है उनमें एंट्रियाँ नहीं की हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में तो बाद में समझेंगे, ग्रुपिंग कैसे देखनी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारा हम ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे तो सारा हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आपको ग्रुपिंग का समझ आ गया कि ग्रुपिंग कैसे करनी है, सब ग्रुप कैसे बनाना है, अपने सहूलियत के हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुपिंग को सब ग्रुप में टैग कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपके एक्सपेंस के लिए हो, एक्सपेंस के लिए ग्रुपिंग करनी है कर सकते हैं, चाहे आप जो है डेटर्स के लिए ग्रुपिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्रेडिटर के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, फिक्स असेट्स के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी तरह की ग्रुपिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, बस यही करना है। जब आप ग्रुप बनाएंगे आपने उसको मेन ग्रुप के अंदर में टैग कर देना है, और जब आप लेजर बनाएंगे तो सब ग्रुप के अंदर में उस लेजर को टैग करना है, ठीक है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, फ़र्क क्या होगा कि एक स्टेप बढ़ जाएगा और आपको एक स्टेप ज़्यादा रिपोर्टिंग मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई क्या सब ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, जितना मर्जी चाहें आप ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, भाई हमने ग्रुप बनाना सीख लिया, सब ग्रुप बनाना सीख लिया, लेजर बनाना सीख लिया। करेंसी को बाद में देखेंगे जब हम एडवांस में जाएंगे और मल्टी करेंसी का हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे वाउचर टाइप में चले जाते हैं, वाउचर टाइप क्या है, ठीक है। तो वाउचर टाइप में ये हमारे ना अभी क्या है, ये जो है अब अभी हम अकाउंटिंग मास्टर पे हैं तो इसके बाद हम इन्वेंट्री मास्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं अल्टर में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं वाउचर टाइप में। तो वाउचर टाइप में देखिए यहाँ पे इतने जो वाउचर टाइप हैं ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अब वाउचर टाइप हैं क्या एक्चुअल में, तो ये एक तरह के एंट्रीज़ हैं जिनके ये एक तरह के फॉर्मेट हैं, एंट्रीज़ के फॉर्मेट हैं। जैसे कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्रियाँ होंगी, जो कॉन्ट्रा की पर्टिकुलर एंट्रियाँ हैं, कुछ स्पेसिफाई एंट्रीज हैं जो कॉन्ट्रा में होती हैं। जैसे कि अभी हम आगे सीखेंगे कि कॉन्ट्रा में बैंक टू कैश और कैश टू बैंक कॉन्ट्रा में एंट्री होगी। क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट की एंट्री क्रेडिट नोट में, जो कि है आपका सेल्स रिटर्न है। ऐसे ही परचेज रिटर्न वो डेबिट नोट में होगी। क्रेडिट डिलीवरी नोट जर्नल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल मिला के 20 जो है आपके पास वाउचर टाइप आपके पास ऑटोमेटिकली बन के आते हैं। अब आप इनके अलावा भी वाउचर टाइप बना सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप के अंदर सब ग्रुप, ऐसे ही आप वाउचर टाइप के अंदर वाउचर टाइप बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये सेल्स है जिसमें कि आप इनवाइस जो है इनवाइस बनाएंगे, जिस फॉर्मेट में आप इनवाइस जो है रेज करेंगे, तो अब इनवाइज आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। भाई आपने सेंट्रल के लिए अलग सीरीज बनाई है और लोकल के लिए अलग सीरीज बनाई है, तो आप अलग वाउचर टाइप बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाके अलग वाउचर टाइप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाउचर टाइप, तो यहाँ पे 20 वाउचर टाइप ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं, आप इनके अलावा और भी बना सकते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है
और वाचो टाइप बनाने की अभी हम इन्हीं में सीखेंगे कि भाई हमें कैसे एंट्रियाँ कैसे डालनी है, क्योंकि ये इनफ है एक अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। वो एक एडिशनल है कि आपने अलग वाचो टाइप बनाना है और उसमें उस तरह की एंट्रियाँ करनी है, सीरीज अलग बनानी है, तो वो एडवांस में हम सीखेंगे कि भाई अलग अलग सीरीज कैसे बनानी है वाचो टाइप की, उसकी सीरीज को कैसे हमने जो है सेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया वाचो टाइप हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री मास्टर की। तो सबसे पहले है कि भाई इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है। इन्वेंट्री मास्टर हम किसको कहते हैं टैली में, कि जो आपके स्टॉक ग्रुप हो गए, स्टॉक कैटेगरी होगी, या स्टॉक आइटम हो गए, या स्टॉक के यूनिट्स हो गए, या स्टॉक में गोडाउन्स हो गए, या जो आपके अलग अलग वेयरहाउस हैं उनको अगर मेंटेन करना है, तो ये तीन चार चीज़ें जो है आपकी इन्वेंट्री मास्टर्स में आती हैं। अब इन्वेंट्री मास्टर में भी आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप है, कैटेगरी हैं, और ये यहाँ पे देखिए जैसे लेजर में है, लेजर में ग्रुप और लेजर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया है स्टॉक कैटेगरी का, ठीक है, कैटेगरी को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ ग्रुप और कैटेगरी में अंतर क्या है और स्टॉक आइटम में अंतर क्या है। तो स्टॉक आइटम क्या होती है, मान लीजिए आप कोई टीवी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, टीवी परचेज कर रहे हैं, आपने टीवी परचेज किया सैमसंग का 54 इंच का टीवी, ठीक है, ये आपका स्टॉक आइटम हो गया। अब आप उसकी कैटेगरी और उसके ग्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, मेन ग्रुप को बना देंगे सैमसंग का, ठीक है, जो उसका ग्रुप है वो हो जाएगा सैमसंग, कैटेगरी हो जाएगी टीवी, और स्टॉक आइटम हो जाएगा सैमसंग LED टीवी 54 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी कैटेगरी बना सकते हैं और टैगिंग कर सकते हैं। अभी बना के देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन इससे आपको सहूलियत क्या मिलेगी, इसकी कैटेगरी या ग्रुप या आइटम को कैटेगरी या ग्रुप में टैग करने से या उसकी ग्रुपिंग करने से भाई आपको रिपोर्टिंग अच्छी मिलेगी। अगर आप चाहें, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भाई ये हो जाएगा सैमसंग, आपने देखना है कि सैमसंग के आपके पास टोटल कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो आप जब ग्रुप की रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई सैमसंग के मेरे पास टोटल इतने पड़े हुए हैं। अब उसमें से आपके हो सकते हैं कि आपके टीवी भी हों, आपके फ्रिज भी हों, आपके वॉशिंग मशीन भी हों, आपके अदर जो है मॉनिटर भी हों, और तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर दिख जाएंगी भाई टोटल एक ब्रांड के, एक सैमसंग ब्रांड के आपके पास कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी में अगर आपने देख रहे हैं टोटल आपने कैटेगरी बना रखी है टेलीविजन की, टीवी की, मॉनिटर की, प्रिंटर की, और इस तरह की आपने और भी कैटेगरी बना रखी है, तो आपने देख रहे हैं यार मेरे पास टोटल टीवी कितने पड़े हुए हैं, जो मेरे पास LCD हैं टोटल कितने पड़े हुए हैं, तो आप सिर्फ कैटेगरी की रिपोर्ट में जाएंगे और टीवी की कैटेगरी को एंटर करेंगे या उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको सारे के सारे टीवी दिखा देंगे, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको कोई अदर नहीं दिखेगा अगर आपने टैगिंग सही की है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, और पर्टिकुलर स्टॉक आइटम देखना है कि भाई ये आइटम हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया सैमसंग LED टीवी 54 इंच, तो पर्टिकुलर वही देखना है, तो नॉर्मल आप आइटम के रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है कि भाई आप वो, जैसे कि एक मैंने अभी एग्जांपल दिया टीवी का, तो टीवी आप किस में मेंटेन करते हैं, मतलब पीस में होता है, पीस का मतलब कि भाई एक नोज में होता है या पीस में होता है, इन दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप कोई जो है लिक्विड ले रहे हैं, तो लिक्विड को किस में आप कौन से यूनिट में टैग करेंगे, तो वो केजी में होगा, वो लीटर में होगा, ठीक है। और जैसे कि आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो केजी में आता है, तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, केजी बनेगी। तो पीसेज, नोजेज, केजीज और पैकेट और पीयर वगैरह, ये सारे आपके यूनिट में आते हैं, ताकि उस आइटम को आप उस पर्टिकुलर यूनिट में टैग कर सकें, ठीक है। और गोडाउन तो आपको पता ही है, गोडाउन अगर आपके मल्टीपल गोडाउन है, जैसे कि आपका एक गोडाउन हो गया, दूसरा गोडाउन हो गया, तीसरा गोडाउन हो गया, अब जब आप माल लाएंगे, परचेज करेंगे, तो कौन से गोडाउन में आपने रखा, उसके बाद दूसरे गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, तो अगर आप गोडाउन मेंटेन करते हैं तो आप जो है पर्टिकुलर गोडाउन में आपको पता रहेगा कि भाई इस पर्टिकुलर गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, कौन कौन सी आइटम पड़ी हुई हैं, कौन कौन से ग्रुप की आइटम पड़ी हुई हैं, यानी कि कौन से ब्रांड की आइटम पड़ी हुई हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की आइटम पड़ी हुई हैं, तो ये सारे आप जो है गोडाउन की रिपोर्ट से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों समझ आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, सैमसंग का। तो यहाँ पे ग्रुप क्या बनाते हैं, हम एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं सैमसंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे भी जैसे आपके लेजर में आता है, जैसे आपके लेजर की डिटेल्स में आता है, वो GST की डिटेल आपको यहाँ पे डालने को मिलती हैं। तो एलियास में अगर आपने कुछ रखा है, इसका जो है कोडिंग रखा है, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर क्या रखेंगे, हम इसको प्राइमरी रखेंगे, ठीक है।
सोल्ड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, तो इसको हम यहाँ पे नो रखेंगे। अब यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे जीएसटी को यहीं पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि हमने लेजर में किया था, तो यहाँ पे सेट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जितने भी आइटम को हम टैग करेंगे उनके अंदर हमें उस पर्टिकुलर आइटम के HSN कोड या GST रेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपके इस पर्टिकुलर ग्रुप से ही पिक करेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अगर ऐसी आती है कि भाई मान लीजिए सैमसंग के अलग अलग आइटम हैं, जैसे कि TV का HSN कोड अलग है या उसके ऊपर जो GST लग रहा है वो अलग है, और उसके बाद जो प्रिंटर है प्रिंटर में HSN अलग है या उसमें जो रेट लग रहा है GST रेट वो अलग है, तो उस केस में हमें यहाँ पे नहीं डालना, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, आइटम में ही डिफेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी कुछ नहीं डालते हैं, यहाँ पे एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप हम रखते हैं, और यहाँ पे भी हम कंपनी स्टॉक ग्रुप रखते हैं और उसको सेव कर देते हैं। तो सैमसंग का ग्रुप हमारा बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कैटेगरी बना देते हैं। तो कैटेगरी हम क्या बनाएंगे, कैटेगरी हम यहाँ पर बना देते हैं LCD, ठीक है। LCD की कैटेगरी बना दी और इसको भी हम प्राइमरी में यहाँ पर रखेंगे, और दूसरी कैटेगरी भी बना देते हैं। LCD की जगह हम क्या बना देते हैं, एक बना देते हैं मॉनिटर, ठीक है। एक मॉनिटर का हमने कैटेगरी बना दी, ठीक है। दो कैटेगरी बना दी, ग्रुप हमने बना दिए, ग्रुप में हमने क्या रखा, सैमसंग। अब ऐसे आपका LG भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, तो जितने भी ग्रुप हैं वो बना देंगे। कैटेगरी में हमने LCD है, अब LCD जो है आपकी सैमसंग की भी हो सकती हैं, LG की भी हो सकती हैं, किसी अदर ब्रांड की भी हो सकती हैं, ठीक है। और मॉनिटर भी आपके किसी अदर ब्रांड के हो सकते हैं, सैमसंग के भी हो सकते हैं, LG के भी हो सकते हैं, किसी अदर ब्रांड के भी हो सकते हैं, तो ठीक है। ऐसे ही हमें यूनिट बनानी है, यूनिट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट पे जाएंगे, यूनिट पे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट के लिए हम यहाँ पे एक बना देते हैं PCS, यानी कि पीसेस, और इसको हम यहाँ पे, ये GST के लिए होता है। GST में कौन सी आइटम, मतलब मान लीजिए ये पीसेस में हम बना रहे हैं, लेकिन ये GST में क्या इसका जो है यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है, UQC क्या है, ठीक है। तो पीसीएस यहाँ पे आता नहीं है, PCS यहाँ पे PCS आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे टैग कर देंगे। अगर PCS नहीं आता है, बहुत सारे केस में क्या होता है कि जैसे आपने किलोग्राम यहाँ पे आ रहा होगा, नोज नहीं आ रहा होगा, नोज आ रहा है यहाँ पे, नोज भी आ रहा है, तो अगर आपको आपकी जो यूनिट है ऐसी है जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो उसी से सिमिलर किसी कैटेगरी में आप इसको जो है टैग कर सकते हैं, नहीं तो इसको अदर में टैग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जब आपकी GST की रिपोर्ट बनेगी तो वहाँ पे ये आपको एरर नहीं देगा, और GST की रिपोर्ट में, GST के रिटर्न में आपका यही मेजर ऑफ यूनिट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा PCS में है, तो हमने PCS में ले लिया, और इसको डेसिमल का, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब है जैसे कि आप KG में हैं। अब PCS में तो क्या होगा, या तो एक पीस होगा या दो पीस होगा, तो डेसिमल प्लेस हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, इसका 0। अब मान लीजिए KG है, तो KG में 1 किलो 500 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 डेसिमल डाल देंगे KG के केस में, ठीक है, पर्टिकुलर उस यूनिट में। तो अभी हम इसको 0 में रखते हैं, ठीक है। तो PCS का हमने यहाँ पे बना दिया। ऐसे ही आप और भी, अगर आपकी यूनिट हैं, पीयर हैं, KG हैं, पैकेट हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। गोडाउन का सिंपल है, गोडाउन का बाद में देखेंगे जब एडवांस में चलेंगे, गोडाउन की एंट्री कैसे होती है, तो वो बाद की बात है। लेकिन गोडाउन का मतलब मैंने आप समझा दिया कि गोडाउन में क्या आपको रिपोर्टिंग के लिए कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और ये होता क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तीनों चीज़ हमारी बना दी है, यूनिट बना दिया, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप बना दिया। अब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं, तो स्टॉक आइटम में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बनाते हैं सैमसंग LCD, और इसको हम लिख देते हैं 54 इंच, ठीक है। अब देखिए आइटम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मैंने आइटम का नाम डाल दिया है, ठीक है, जो जिस नाम से हमें आइटम बनानी है, जो हमें बिल करते टाइम पे या एंट्री करते टाइम पे हमें आइटम का जो नाम शो होगा वो ये वाला शो होगा आइटम, ठीक है। उसके बाद ग्रुप क्या होगा, ग्रुप जी हमारा ये, इसको हम टैग करेंगे सैमसंग में, क्योंकि ये जो सैमसंग की जो LCD है ये सैमसंग की है, ताकि हमें रिपोर्टिंग अच्छी मिले। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे F12 कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है कैटेगरी को एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे मोर फीचर्स यस करते हैं, और इसको भी यस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिल रही है।
अब मान लीजिए आप इस स्क्रीन पे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि भाई जिस स्क्रीन पे भी आप हैं और उस स्क्रीन पे आपको और भी ऑप्शंस चाहिए, या आपने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से आने चाहिए, कौन कौन से नहीं आने चाहिए, तो आप उनको उस पर्टिकुलर विंडो की F12 की कॉन्फ़िगरेशन से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा नाम आ रहा है, एलियास आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर को भी इनेबल कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी इनेबल कर देते हैं, ये भी इनेबल कर देते हैं, कैटेगरी को इनेबल कर देते हैं, इसको भी इनेबल कर देते हैं, और अल्टरनेटिव यूनिट को भी इनेबल अभी नहीं करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, जैसे कि MRP और ये वगैरह वगैरह ही हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी मोस्टली फीचर हमारे यहाँ पे इनेबल है, तो उसको हम सेव कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आइटम का नाम ही डाला है, तो अगर आप पार्ट नंबर में यहाँ पे एलियास में डाल सकते हैं, अब एलियास जो है इसके किसी कोडिंग अगर आपने दी है वो डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सैमसंग LCD 54 इंच को यहाँ पे कुछ कोड दिया है, पर्टिकुलर इस आइटम को कुछ कोड दिया है, तो यहाँ पे आप उसका कोड डाल सकते हैं, ये आपके इनवाइज वगैरह में भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने उसका पार्ट नंबर डाल दिया या कोड नंबर डाल दिया, आप कुछ भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नोट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि लेजर में मैंने आपको बताया वैसे ही स्टॉक आइटम के लिए भी है। तो अंडर में हमने सैमसंग ले लिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी टैग करेंगे, तो कैटेगरी किस में टैग करेंगे, LCD में टैग करेंगे, और यूनिट क्या रहेगा इसका, पीसेस रहेगा। अब यहाँ पे आता है राइट हैंड साइड में GST का पार्ट, कि भाई इस पर्टिकुलर आइटम पे GST लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो क्या रहेगा, कि क्या रेट रहेगा GST का, और HSN क्या रहेगा, ठीक है। हमने स्टॉक ग्रुप में नहीं डाला है, ठीक है, जो हमने ये स्टॉक ग्रुप बनाया था इसमें नहीं डाला है। अगर हम इसमें डाल देंगे तो फिर अगर आप यहाँ पे सेट करते भी हैं या नहीं भी करते हैं तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इग्नोर कर दी जाएगी, टेलिस को इग्नोर कर देगा, बस आपके ग्रुप से ही ले लेगा, ठीक है। और अगर आपने ग्रुप में नहीं ग्रुप में भी डाल दिया या ग्रुप में नहीं डाला या स्टॉक आइटम में डाला या नहीं डाला, और अगर आपने सेल्स लेजर, जब मैंने आपको सेल्स लेजर बताया था कि सेल्स लेजर में हम जो है जो हमने सेल्स लेजर बनाया था जब, तो उसमें हमने GST सेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि भाई इसको इसलिए सेट नहीं कर रहे हैं कि ताकि हमारे स्टॉक आइटम से पिक करें GST रेट और HSN कोड, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड की होगी तो आपको याद होगा या आपको पता होगा, तो वहाँ पे हमने सेट नहीं किया था, यहाँ पे हम सेट करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा जो है, हम यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करेंगे और इस आइटम का यहाँ पे HSN कोड सेट करेंगे और उसके बाद GST सेट करेंगे, तो यहाँ पे स्पेसिफाई ईयर करेंगे, अब यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देंगे। तो मान लीजिए इसका HSN कोड है, ये इसका HSN कोड है, अब यहाँ पे जो है ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो आप नेट से भी चेक कर सकते हैं कि जो है LCD की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसको हम अदर में ले लेते हैं, फिलहाल अदर्स में ले लेते हैं, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में आना चाहिए लेकिन हमने यहाँ पे अदर में ले लिया। आप सही तरीके से टैग करिएगा जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी, वैसे ये डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मायने रखती नहीं है, यहाँ पे डालने के लिए तो दे दिया, लेकिन अधिकतर जो है जो टैगिंग के लिए काम आता है, जो रिटर्न के लिए काम आता है, वो आता है HSN कोड, ठीक है। उसके बाद GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में क्या हम क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अगर आपकी आइटम टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल लेंगे, नॉन GST है तो नॉन GST लेंगे, नील रेटेड है यानी कि उसमें रेट कोई टैक्स नहीं लगता है तो एग्जेम्प्ट है तो उसको आप एग्जेम्प्ट में ले सकते हैं, नील रेटेड तो नील रेटेड में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल में लेते हैं। अब इसमें कितना GST लगता है, मान लीजिए इसमें 18% का GST लगता है, जिसमें से कि 9% CGST और 9% IGST होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या सेस लगता है, तो इसके ऊपर सेस नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगता है, जिस आइटम पे लगता होगा उसमें आप यहाँ पे सेस एप्लीकेबल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन वैल्यू, या बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जैसे गाड़ियाँ होती हैं तो उनमें सेस लगता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं, सॉरी, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, तो इसका रिवर्स चार्जेस नहीं है क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो GST लग के आएगा, जब हम सेल करेंगे तो हम GST वो हैं आगे से GST लेंगे जिसको हम सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस कर देंगे। एंड ये पूछता है कि सप्लाई टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, सर्विस है, या कैपिटल कैपिटल गुड्स है, तो ये हमारा गुड्स है क्योंकि हम इसको गुड्स को खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, तो ये हमारा गुड्स के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है।
अब पूछता है कि भाई क्वांटिटी कितनी है, तो ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है। तो ओपनिंग क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे कि मैंने लेजर के केस में बताया था कि भाई अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस है तो लेजर में आप ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं, जैसे कि 1 अप्रैल 2023 को या 1 अप्रैल 2024 को फाइनेंशियल ईयर जब आपका स्टार्ट हो रहा है या जब से आपने कंपनी जो बुक कीपिंग स्टार्ट की है, तो उस दिन उसका जो है ओपनिंग बैलेंस क्या था। तो आप इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी थी। मान लीजिए 100 क्वांटिटी हमारी ओपनिंग बैलेंस में थी, कब थी, 1 अप्रैल 2023 को, जब से हमने कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है। उसका रेट कितना था जी, उसका रेट था जी 25,000, ठीक है, पर पीस 25,000 पर पीस। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 लाख। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो ये आइटम हमारा बन गया है। तो इसी तरह से आप और आइटम को भी बना सकते हैं, जैसे कि आपका अभी तो हमने वो बनाया है, क्या नाम है, अभी हमने बनाया है LCD, अब हम बनाते हैं मॉनिटर। मॉनिटर बना दिया हमने 13 इंच का, ठीक है, 13 इंच का मॉनिटर है जी। ये भी किसका है जी, ये भी है हमारा सैमसंग का। और किस में टैग करेंगे इसको, कैटेगरी में, इसको हम मॉनिटर में टैग करेंगे। अब इसको पीसेस में लेंगे और यहाँ पे इसका जो है HSN कोड और वो GST रेट हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, सेम जैसे कि हमने पिछली आइटम में डाला था। इसमें मान लीजिए 18% लगता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर भी बन गया। तो इस तरह से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1, 2, 3 आ रहा है, ये इसका पार्ट नंबर आ रहा है, इसको भी करेंगे तो वही आइटम ओपन होगा जो कि आपने बनाया था, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया स्टॉक ग्रुप कैसे बनाना है, उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, स्टॉक कैटेगरी ग्रुपिंग कैसे करनी है, स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, उसको कैसे हमने टैग करना है, यूनिट कैसे बनाना है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब आगे का जो ये डिटेल है ये हमें अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, GST क्लासिफिकेशन हमने सेट कर दिया, जब हमने कंपनी GST इनेबल किया था, कंपनी GST डिटेल हमने सारी डाल दी है, पेन डिटेल, और ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पेन नंबर और GST SIN नंबर वगैरह अगर आपने डालना है तो इसमें एंटर करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया स्टॉक ग्रुप बनाना, सब ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, वाउचर टाइप में कौन कौन से वाउचर टाइप हैं जो कि हम आगे हम ही सीखेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाना हमने सीख लिया, स्टॉक कैटेगरी बनाना, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट बनाना हमने सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बना देना है। तो अब बारी आती है कि भाई अब इनकी एंट्रीज की बारी आती है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर आप चलेंगे, यहाँ पे एक चीज़ जो है रह गई है, चार्ट ऑफ अकाउंट थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बता देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जो आपके लेजर्स मास्टर्स आपने बनाए हुए हैं, चाहे वो आपके ग्रुप हैं या आपके लेजर्स हैं, स्टॉक आइटम हैं या स्टॉक ग्रुप हैं, तो जो भी आपने बना रखे हैं उनको देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। जैसे हमने लेजर में जाते हैं, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, लेजर में गए, तो लेजर में बता रहा भाई कौन कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर बने हुए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे दिख जाता है। आप यहाँ से इनको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनका प्रिंटआउट लेना है प्रिंटआउट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में दिखा रहा है व्यू, लेजर व्यू, तो ये सारे देखिए कौन सा लेजर है जी, कौन से ग्रुप के अंदर में टैग हो रखा है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे, तो ये रिपोर्टिंग पार्ट में हम ज़्यादा इसको जो है डिटेल में समझेंगे। ऐसे ही आप स्टॉक आइटम का भी देख सकते हैं, जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, स्टॉक आइटम में गए, तो ये देखिए ये स्टॉक आइटम हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर हम यहाँ पे स्टॉक आइटम व्यू पे क्लिक करेंगे तो 1, 2, 3 करके सारी सीरीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। अब बारी आती है अगला वाउचर्स की, यानी कि वाउचर एंट्रीज की, ठीक है। तो पहले हम वाउचर एंट्री प्रॉपरली हम समझेंगे, सारी वाउचर एंट्री समझेंगे, कौन सी वाउचर एंट्री कैसे होती है, क्या होती है, जिसमें कि काफ़ी क्लासेस यहाँ पे वाउचर एंट्रीज के ऊपर होने वाली हैं। उसके बाद हम आगे जो है रिपोर्टिंग पे चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद बैंकिंग पे चलेंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट और कैसे बनाते हैं, स्टॉक समरी कैसे देखनी है, सारा हम बाद में चलेंगे। पहले हमें वाउचर एंट्री करनी है, पहले हम डाटा तैयार करेंगे और डाटा तैयार करने के बाद में हम आगे का जो है प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपको उनके रिप्लाई करने की। अदरवाइज़ आप जो है लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तभी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको लाइव क्लास में जो है अटेंड कर लूँगा। इसका आपने प्रैक्टिस करना है अपने टैली में या अपने कंप्यूटर में, आपने प्रैक्टिस करना है स्टॉक आइटम बनाना, स्टॉक लेजर बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, लेजर बनाना, सब उसकी ग्रुपिंग करना, तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे जब मैं करके दिखा रहा हूँ आपने देख लिया और कल
जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम वाउचर एंट्री पे स्टार्ट करने वाले हैं कि वाउचर एंट्रीज कैसे होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी क्लास जो है मिस मत करना। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।